हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय. वेलकम टू लेट्स लर्न समथिंग. तो गाइस, जैसा कि हमने इस बीएलएड सेकेंड ईयर या बीएलएड के बारे में बताने के लिए आप लोगों से कहा था, तो उसी के अनुसार जैसे कि बीएलएड सेकेंड ईयर में सीएआई सिलेबस में है, टेक्नोलॉजी के सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सीएआई एक छोटा सा टॉपिक लिया है जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे. तो ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं. जैसे कि CAI, इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को सीखना यानी कि लर्निंग कहते हैं, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या लर्निंग, और इसको हिंदी में कहते हैं कंप्यूटर सह अधिगम. लर्निंग में सीखना अधिगम दोनों होता है. कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि अधिगम जो होता है और जो सीखना होता है एक ही प्रोसेस होती है, जबकि दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है. जो सीखना होता है, जैसे कि एक मनुष्य जब जन्म गर्भावस्था जब बालक गर्भ अवस्था में आता है तब से लेकर जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखता रहता है. तो सीखता तो बहुत कुछ है, लेकिन जिन चीज़ों को सीख कर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है वो अधिगम के अंतर्गत आता है. तो इन दोनों के अंतर मुझे आशा है मैंने अच्छे से डिफाइन किया. अब इसकी बात करते हैं कंप्यूटर सह अधिगम की, मतलब कंप्यूटर जो है आजकल के युग में कैसे पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कमाल मचाया हुआ, कैसे मतलब बदलाव लाया है, कैसे सुधार लाया है. तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर लेंगे. यहाँ कंप्यूटर का मतलब केवल कंप्यूटर से ही नहीं लिया गया है, इससे रिलेटेड संचार माध्यम के जितने भी यंत्र हैं, जैसे कि मोबाइल, ईमेल, गूगल, यूट्यूब, इन सब के माध्यम से, जिसके माध्यम से मतलब इलेक्ट्रॉनिक युक्ति कोई भी हो जिसके माध्यम से सीखा जाता है या कुछ अध्ययन किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत ये सब सभी चीज़ें जाते हैं. तो कंप्यूटर का कमाल, जैसे कि अगर कोई कोई बच्चा या कोई बालक है, तो वो बच्चा तो नहीं, बच्चे को स्कूल जाने के लिए स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे कोई बड़ा है, जैसे उसे ग्रेजुएशन करना पड़ता है, तो वो NIOS के मध्य, जैसे कि वो दूरस्थ शिक्षा, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसे अगर ग्रेजुएशन करना है या अन्य कोई इंटरमीडिएट की ही परीक्षा पास करनी है, तो उसे इग्नू के माध्यम से यानी दूरस्थ शिक्षा घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है. उसे जैसे कि कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, उसके यहाँ पर उसके घर पर सभी इससे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड सभी मटेरियल आ जाते हैं. वो घर पर पढ़ाई करता है और बाकी पेपर एग्ज़ाम देने या एंट्रेंस देने वो चला जाता है यूनिवर्सिटी जिस जहाँ वो उसका एडमिशन हुआ रहता है. तो इस प्रकार कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ही बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है. जैसे कि मोबाइल है, अगर हम ध्यान दें कि अगर हमें किसी दूर बैठे इंसान से बात करनी है, वहाँ के बारे में जानना है, तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं आसानी से. वहाँ हम लोग अपना जो बातचीत करना रहता है कर लेते हैं, जो देखना रहता है वो कर लेते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं. अब चलते हैं इसके बारे में आगे बात करते हैं. जैसे कि संसार के किसी भी कोने में एक कमरे के अंदर बैठकर पुस्तकालय, चिड़ियाघर तथा संग्रहालय आदि देखने की कल्पना करें तथा उन स्थानों पर कैसे पहुंचा जाए इसकी जानकारी लीजिए. संसार के दूसरे भाग में बैठे व्यक्ति में बातचीत करने की कल्पना कीजिए. आप या कोई भी परस्पर एक दूसरे की बातचीत को देख सकता है. आधुनिक संसार में यह सब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव हुआ है. कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे संप्रेषण, विज्ञापन, उद्योग, प्रकाशन, शिक्षण अधिगम, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, चिकित्सा, मेडिकल इत्यादि क्षेत्रों में किया जा रहा है. कंप्यूटर को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो अपने कार्यों को अति शीघ्रता से करता है. यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें समय का भी मतलब समय भी कम खर्च होता है. तो इस प्रकार हमारे समय की बचत होती है जिसको हम और क्षेत्रों में लगा सकते हैं. तो विविध सूचनाओं और समस्याओं को थोड़े समय में विशाल संग्रह से तुरंत देने में सक्षम होता है. यह व्यक्ति एवं उपकरण के बीच अंतःक्रिया द्वारा
होता है। यह व्यक्ति एवं उपकरण के बीच अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होता है। धन श्रम समय के अव्यय से मुक्ति प्रदान करने वाला आधुनिक समय का कंप्यूटर एक प्रमुख नवाचार है। जैसे कि धन श्रम और समय, समय का बचत कैसे हुआ आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन श्रम का अगर हम देखें, जैसे कि अगर हमें कहीं भी पढ़ाई करने के लिए जाना है तो हमें अगर रेगुलर जाना होगा तो वहाँ हमारा श्रम भी लगेगा और यातायात के साधन अगर यूज में करेंगे करना तो पड़ेगा ही, तो वहाँ धन की भी खर्चा होगी। तो इस प्रकार अगर हम दूरस्थ के माध्यम से यानी इग्नू के टाइप, यानी कि अगर हम इग्नू संस्थान से अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं या मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू अगर शिक्षा का अर्जन करते हैं तो हमारा धन श्रम और समय तीनों का ही बचत होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर सह अधिगम एक ऐसी अधिगम प्रणाली है जिसमें एक छात्र और आवश्यक अधिगम सामग्री, सीखे जाने वाली सामग्री से युक्त कंप्यूटर के माध्यम से उपयोगी अंतःक्रिया इस उद्देश्य से चलती है जिससे छात्र को अपनी योग्यता और गति के अनुसार वैयक्तिक रूप से स्व अधिगम प्राप्त करते हुए वांछित अधिगमात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। जैसे कि अगर कंप्यूटर के सामने कोई व्यक्ति, कोई छात्र या छात्रा बैठकर अगर उसको सॉल्व कर रहा है तो वह अपने हिसाब से मैनेज करेगा, यानी कि उसको अगर समझ में आ गया है तभी वो आगे का क्लिप बढ़ाएगा, नहीं तो वह पहले वही देखेगा। और जैसे कि मोबाइल में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यूट्यूब के थ्रू हम लोग देखते रहते हैं, गूगल के थ्रू देखते हैं, तो हम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या वहीं उसे डाउनलोड कर लेते हैं, उसे बार बार देख अच्छे से समझ जाते हैं। तो हमारे आज के युग में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा ही महत्व है। कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण देने में दो प्रकार से किया जा सकता है। कंप्यूटर को एक बारीकी से बनाई हुई शिक्षण मशीन की भांति प्रयोग किया जा सकता है जो कि शैक्षिक सामग्री को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करती है और उसके प्रत्युत्तर को अर्थ प्रदान करती है। इसे हम CAI कहते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, तो ये आप इसको पॉज कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लेंगे, जिससे अगर नहीं समझ में आया रहेगा एक बार में तो दोबारा आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब दूसरा है, कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षक को शैक्षिक प्रक्रिया को प्रशासित करने में सहायता देना है, जो वह छात्र की योग्यताओं का मापन कराकर और एक शिक्षण संबंधी कोर्स को प्रस्तावित करके करता है। इसे कंप्यूटर प्रशासित शिक्षण या CMI कहते हैं। CAI की सबसे साधारण विधि यह है कि छात्र एक टेली टाइपराइटर के सामने बैठता है जो बिजली से चलने वाला टाइपराइटर की भांति होता है। कंप्यूटर द्वारा सूचना टाइप की जाती है और छात्र अपने प्रत्युत्तर कीबोर्ड पर टाइप करता है। इस प्रकार टाइप कंप्यूटर एक बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षण देने में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र को टेली टाइपराइटर देकर दोनों प्रकार का शिक्षण दिया जा सकता है। इस विधि में लाभ यह है कि छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण मिल जाता है। जैसे कि एक टीचर आता है तो क्लास में जब जाता है तो इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी पर वो ध्यान नहीं दे पाता है, उसको सब पर ध्यान देना रहता है। अगर कंप्यूटर का अगर यूज वो करेगा या टेली टाइपराइटर का यूज करेगा तो व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से, यानी कि उस कंप्यूटर के सामने बैठकर अपने कंट्रोल में कंप्यूटर को करके आसानी से सीख सकता है और समय अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। जब तक उसे सीख नहीं जाता बालक, तब तक वह सीखता रहता है उसे दोबारा दोबारा करके। ऐसे अगर टीचर से बार बार भले ही कहते हैं कि बार बार पूछ लिया करो, लेकिन फिर भी इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर के सामने करने से ये सब की दिक्कतें जो रहती हैं कम होती हैं। फिर उसके बाद, विभिन्न योग्यता वाले छात्र अपनी गति से शिक्षण ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत बालक होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत बालक होते हैं वो मंद बुद्धि, यानी कि धीरे धीरे सीखते सीखते तो वो भी हैं लेकिन धीरे सीखते हैं। तो कोई कुछ बालक होते हैं सामान्य बुद्धि को जो अपने अकॉर्डिंग सीखते हैं, लेकिन अब इन तीनों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अगर ये कंप्यूटर रहेगा अपने अकॉर्डिंग ये आगे पीछे बढ़ाते जाते हैं, यानी कि अपने गति के हिसाब से चलाते हैं। यही बात यहाँ की गई थी। फिर है, कंप्यूटर एक साथ अनेक छात्रों को शिक्षण के लिए प्रयोग होता है। प्रत्युत्तर छात्र अपनी ही गति से देते हैं या उन्हें अपनी गति और अपनी उपलब्धि दोनों के अनुसार
प्रगति करने के अवसर प्रदान कर देता है। इसमें दूसरा लाभ यह है कि इससे तुरंत परिणामों का पता छात्र को लग जाता है। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन कोई टेस्ट देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है तुरंत आ जाता है, यानी उसको चेक करने में या जांचने में दिक्कत भी नहीं होती है, तो आराम से उसका आंसर की भी पता चल जाता है। तीसरे, यह छात्र के ध्यान को पूरे समय के लिए अपनी ओर केंद्रित रखता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। जब तक छात्र इसके सामने रहता है तब तक एक्टिव रहता है और ध्यान से अपना कार्य करता है। जैसा कि एक शिक्षक उस समय जब वह प्रत्येक छात्र को अलग अलग शिक्षण प्रदान कर रहा होता है रखता है। जैसे कि अगर एक टीचर जो है जब एक व्यक्ति को अलग अलग शिक्षण मतलब प्राप्त करता है, तब जितना बालक एक्टिव रहता है उतना ही कंप्यूटर के सामने एक्टिव रहता है बालक। अब बात करते हैं कि डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क हर एक कार्य बहुत अच्छे तरीके से करता है, यानी कार्यों का संचालन मस्तिष्क के द्वारा होता है, वैसे कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है, यानी कि अगर विद्युत के क्षेत्र में लिया जाए तो कंप्यूटर उसका मस्तिष्क है। यह युक्ति अधिक शुद्ध एवं तीव्र है। इसमें प्रदत्तों एवं सूचनाओं का भंडारण किया जाता है, इनका उपयोग एवं विश्लेषण करके शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रदत्तों एवं सूचनाओं का भंडार करती है तथा निर्देशों के अनुसार उनका विश्लेषण करके अल्प समय में शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। क्योंकि जो YouTube पे या कंप्यूटर में जो जानकारी हमें मिलती है वो किसी न किसी तरह से विश्लेषण करके उसमें स्टोर किया रहता है, उसको बाद में हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं। फिर अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुई है। इसका अर्थ है गणना अथवा गिनती करना, गणना करना अथवा गिनती करना। अतः तार्किक दृष्टिकोणों से किसी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस को कंप्यूटर कहा जा सकता है। अब इसका जैसे कि कंप्यूटर है COMPUTER, तो एक एक वर्ड एक एक लेटर का क्या क्या मीनिंग होता है इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर का पहला शब्द होता है सी, तो सी का मतलब कैलकुलेट यानी गणना करना। ओ का मतलब होता है ऑपरेट यानी संचालन करना। एम का मतलब होता है मेमोराइज, मेमोराइज मीन्स होता है स्मृति में रखना। और फिर उसके बाद बात करते हैं पी जो है इसका अर्थ होता है प्रिंट, प्रिंट मतलब मुद्रण करना। यू मतलब अपडेट, अपडेट मतलब आधुनिक बनाना। टी टैबुलेट, टैबुलेट मीन्स सारणी बनाना। ई से एडिट, एडिट मीन्स होता है संपादन करना। आर मीन्स होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया करना, क्रिया करना। इसके आधार पर यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी भी प्रकार से सभी आंकड़ों को व्यवस्थित व नियंत्रित तो करता ही है, साथ ही उक्त समय में पूर्ण शुद्धता के साथ गणना भी कर सकता है। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में है ये देखते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण तकनीक के आधार पर कंप्यूटर मूलतः दो प्रकार के होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कंप्यूटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। फिर उसके बाद है वर्तमान समय में केवल डिजिटल कंप्यूटर्स का ही प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में जो डिजिटल कंप्यूटर है केवल उसका ही प्रयोग किया जाता है। क्षमता के आधार पर इन कंप्यूटर्स को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब डिजिटल कंप्यूटर का वर्तमान में यूज किया जा रहा है, इसी के चार रूप हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को लेट्स लर्न समथिंग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे। सो थैंक यू।